पैनल में आपका स्वागत है। क्यों ज़रूरत पड़ती है टीवी का ट्रीटमेंट लंबे समय तक लेने का? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और टीवी के बारे में आप जानते हैं कि टीवी बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, पर आज की डेट में नहीं है। आज तो ये एज ए फीवर की तरह है, बस समय से इसका इलाज ले लिया जाए। लेकिन अभी भी अगर समय से इलाज नहीं लिया गया तो ये लाइलाज के साथ साथ ये मौत तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा टीवी के पेशेंट होते हैं। कारण है कि उनका मॉल न्यूट्रिशन, खान पान की दिक्कत, या फिर बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड जगहों पर रहना, या धूल और बहुत पॉल्यूशन जैसे जगहों पर काम करना, ये बहुत सारे कारण हो जाते हैं। और उनको जानकारी नहीं होती इसकी कि अगर बुखार आ रहा, हल्की खांसी हो रही है तो इसको दिखाना चाहिए, डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, जांच कराना चाहिए। वो उसको कॉमन कोल्ड समझ लेते हैं और कई महीने तक खांसते रहते हैं, बुखार में पड़े रहते हैं, क्योंकि इसका बुखार इतना तेज नहीं होता कि कोई बिस्तर पर लगातार लेटे। ये सुबह शाम रहता, हल्का रहता, हरारत रहती है, कमज़ोरियाँ रहती है, इसलिए लोग चलते रहते हैं और इस बीमारी के धीरे 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 गिरफ्त में हो जाते हैं, क्योंकि ये बीमारी जल्दी नहीं बढ़ती। ये बीमारी भी बहुत देर में बढ़ती है, क्योंकि जो माइक्रोबैक्टीरिया, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये बहुत फास्ट ना बढ़ता है और ना ही मल्टीप्लाई करता है या विभाजित होता है। इसको बढ़ने में और मल्टीप्लाई करने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन अगर ये बॉडी के अंदर कहीं पर भी है तो ये धीरे धीरे बहुत सारे बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर उत्पन्न कर देता है, जिससे व्यक्ति में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो जाती है। और जब ये पूरी तरह से इससे घिर जाते हैं, वो जहाँ की भी ट्यूबरक्लोसिस हो, ज़्यादातर हमारे देश में लोग चेस्ट ट्यूबरक्लोसिस से, लंग्स ट्यूबरक्लोसिस से परेशान है, क्योंकि कारण ज़्यादा है। हमारे यहाँ लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में रहते हैं, या तो वो बाहर बहुत पॉल्यूशन और धूल कण इस तरह की जगहों पर काम करते हैं। उनके खाने पीने का भी बहुत अच्छा स्तर नहीं है और ना ही वो समय से समझ पाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि क्या ज़रूरत है इतना लंबा ट्रीटमेंट लेने का? काफ़ी लोग हैं जो बीच में दवा छोड़ देते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कभी बीच में दवा ना छोड़ें। वैसे तो आप जैसे दवा लेते हैं, 2 महीने बाद ही आपका कल्चर जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आ जाता है। जो मेटाबॉलिक, जो वैसली है, वो कहीं ना कहीं निगेटिव है। लेकिन अगर एक उसमें से कहीं पर भी छुपा हुआ है, वो धीरे धीरे करके आपको दोबारा बीमार कर सकता है। और जब दोबारा ये ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीवी होती है, तो इसको रिफ्लैक्स टीवी कहते हैं या रिकरिंग टीवी कहते हैं, जो हमारे भारत में इसके मामले 10 से 12% हैं। दोस्तों, 9 महीने इलाज लेने के बाद भी ये 10% से 12% लोग को दोबारा टीबी हो जाती है। वैसे तो इसका ट्रीटमेंट इसकी कंडीशन को देखते हुए कि ये किस तरीके का है, मींस ये अभी साधारण है या बहुत गंभीर हो चुका है, तो इसकी गंभीरता को देखते हुए, इसके स्टेज को देखते हुए डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कितने महीने चलाना है। वैसे इसका जो मिनिमम ट्रीटमेंट होता है वो 6 महीने का होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे 6 महीने का दिया जा सकता है, 9 महीने का दिया जा सकता है और 12 महीने तक भी दिया जा सकता है। अलग अलग टीवी अलग अलग ऑर्गन में होती है, जिसके अलग अलग ट्रीटमेंट का टाइम भी होता है। लेकिन अगर मैं ख़ास तौर से बताऊँ कि चेस्ट ट्यूबरक्लोसिस का जो टाइम होता है, तो वो भी है कि गंभीरता को देखते हुए इसको मिनिमम आज के डेट में टाइम कर दिया गया है 9 मंथ टू 12 मंथ। और वो व्यक्ति हाई रिस्क में होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि जैसे ये ठीक होते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, दोबारा इनको कफ बनने लगता है, इनको स्पूटम बनने लगता है, और उसमें अगर एक भी बैक्टीरिया वैसलस
अगर होती हैं तो इनको धीरे 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 फिर मल्टीप्लाई करके बीमार कर देती हैं। दोस्तों, वैसे तो आप इस टीबी से ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको एक भी दिन दवा नहीं छोड़नी है। मीन्स अगर आप तरीके से, सही तरीके से, सख्ती से और पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं, दवा खाते हैं, तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। लेकिन कोई अगर ढिलाई करते हैं, एक दिन भी लापरवाही करते हैं, एक डोज भी छोड़ते हैं, तो आपको रिकरिंग टीबी होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए आज के डेट में डायरेक्ट पेशेंट को दवा नहीं दी जा रही है, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने अपना एक बहुत ही अच्छा इसके लिए कार्यक्रम चला रखा है, जिसमें पेशेंट का सारा चीज़, एड्रेस, नाम सब लिख लेते हैं, कंप्यूटर पे चढ़ा देते हैं, उसके दवाओं का पूरा डिटेल रहता है और दवाएं दी जाती हैं। और आंगनवाड़ी, आशा बहू, इन लोग की ड्यूटी भी लगा दी जाती है, जो हमारे गांव में एनम है, कि इनकी दवाओं का निगरानी करना, कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि दवा ले जा रहे हैं सेंटर से और दवा फेंक दे रहे हैं और कहते हैं कि हमने पूरी दवा खा ली है। तो जैसे इनकी दवा जिस डेट में ख़त्म होती है, कंप्यूटर वहाँ बताने लगता है, वहाँ रेड एक क्रॉस हो जाता है, अगर उस डेट पे पेशेंट दोबारा दवा नहीं लेने आता है तो उसके घर में सूचना भेजी जाती है कि क्या कारण है, और वहाँ से पता लग जाता है कि मरीज़ ने अपनी पूरी दवा नहीं खाई। दोस्तों, ये दवा की लापरवाही करने से या ना खाने से या रिकरिंग ट्यूबरक्लोसिस होने से सिर्फ वो मरीज ही नहीं परेशान होगा, बल्कि उसका परिवार भी परेशान होगा, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे को लग सकती है, और काफ़ी लोग इसके इन्फेक्शन में आ सकते हैं, इसके चपेट में आ सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के जो ये नियम गवर्नमेंट ने चलाया है, जो प्रोग्राम चलाया है, जो तरीका चलाया है ट्रीटमेंट करने का, उसका यही कारण है कि भारत से टीबी को बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए, इसका उन्मूलन कर दिया जाए। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप सख्ती से, तरीके से, आप अपना डॉक्टर खुद बने, आप दवा लें और टीबी को आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता होगा दवा तो दवा, एक दिन भूल गए तो कोई बात नहीं, तो शायद ये बात भी समझ में आ गई होगी कि एक दिन दवा भूलेंगे तो एक महीना आपका बढ़ता जाएगा। तो एक महीना अगर आपका बढ़ता जाएगा तो ये जो 12 महीने या 9 महीने का ट्रीटमेंट है, कहीं ऐसा ना हो 2 साल का ट्रीटमेंट हो जाए और बाद में फिर एक बार आपको टीबी की शिकायत हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे में आप बिल्कुल इसको ईमानदारी से करिए और ठीक होइए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आर मौर्य चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।